विक्रम विश्वविद्यालय ने भी विकास की पिच पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की कप्तानी में विक्रम विश्वविद्यालय विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। इसी कड़ी में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा नया प्रशासनिक भवन बनवाया गया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में 5 करोड़ की लागत से बनाए गए नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और उत्तर से विधायक पारस जैन जी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक विश्वविद्यालय का दायरा लगातार बढ़ रहा है, यहां नए प्रशासनिक भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी कड़ी में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे की अगुवाई में 5 करोड़ की लागत से 2 मंजिला नया भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण किया गया है। यहां आपको बता दें कि विक्रम विश्वविद्यालय के इस प्रशासनिक भवन में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इधर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए होमवर्क किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक चूंकि मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पतालों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इसलिए उनकी कोशिश है कि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो। हालांकि मुख्यमंत्री इस पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। इधर उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन का कहना है, मेडिकल कॉलेज कहीं खुले या ना खुले, लेकिन उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज उनका सपना था। प्रशासनिक भवन की दृष्टि से भी भवनों की आवश्यकता है, और माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार हमारे सब लोग लगे हैं, आज एक नए भवन की सौगात दी। आने वाले समय में विकास के और भी नए नए काम करते जाएंगे, खास करके हमारे लिए जो विभिन्न प्रकार के जब हम कोर्स खोलते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, तो उनकी परीक्षा की कापियों को जांचना, प्रशासनिक दृष्टि से बैठक व्यवस्था करना, तो ये विकास का क्रम लगातार चलता रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री इस बातों में लगातार जोर भी देते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद इन सारे विकास कामों को गति मिलती रही। अकेले विक्रम का मुद्दा नहीं है, ये महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में सब प्रकार की शिक्षा हो, ये नई शिक्षा नीति भी कहती है। और ऐसे में हमारे पास ये बात सही है कि उज्जैन जैसी जगह पर जब मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है, तो शासन के लेवल पर ये गंभीरता के साथ विचार हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो खोला जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज को सफलता के साथ चलाने में शासन की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयाँ भी है, और विश्वविद्यालयों का आगे उन्नति का एक अवसर भी है। तो दोनों की दृष्टि से दोबारा बैठेंगे कि इसमें विश्वविद्यालय के साथ, चूँकि क्या होता है, कॉलेज के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज की प्रैक्टिकल प्रयोगशाला होती है हॉस्पिटल, जहाँ सब प्रकार की वहाँ जाकर के उनको चिकित्सा सुविधा देना रहती है। इसके आधार पर हॉस्पिटल की उन्नति हो जाती है, हॉस्पिटल में अच्छे विशेषज्ञ मिलते हैं, लेकिन पढ़ाने का जो प्रोसेस है पूरी, वो तो एक अलग से पढ़ाने की प्रक्रिया बनती है। तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी भी मददगार होती है, और शासन भी उस चीज़ में चाहता है कि हमारा आर्थिक लोड कम हो जाए। तो एक पॉलिसी मैटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ऐसे कई विश्वविद्यालय जिसमें विक्रम नंबर 1 पे है, वो अपने विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोले, शासन उनको मदद करेगा, तो दोनों के बीच में तालमेल करना, ये नीतिगत मामला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन हमारी सबकी प्राथमिकता है कि मेडिकल कॉलेज खुले, और वहाँ सबसे पहले खुले जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसमें उज्जैन भी है। तो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काफ़ी गंभीरता से सरकार प्रयास कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बड़ी बात तो है कि मेडिकल कॉलेज, जो वास्तविक में मेरी कब की इच्छा थी कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खुले, जब से मैं विधायक बना, जब से मैं मांग कर रहा था, तो मांग पूरी हो गई। यहाँ बने, कहीं भी नहीं बने, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और जनता को सुविधा मिलना चाहिए।